सिंपल कुकिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी अंगारा। गोभी अंगारा बनाने के लिए हमें चाहिए गोभी, एक मीडियम साइज का हमने गोभी का फूल लिया है, उसे ऐसे बड़े टुकड़ों में काटकर अच्छी तरह धो लिया है। दो प्याज मीडियम साइज के, दो हरी मिर्च, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का इसे छील कर धो लिया है, 15 कली लहसुन की, 15 से 16 हमारे ये डंठल है धनिया पत्ती के, इन सबको हम क्या करेंगे एक साथ मिलाकर पेस्ट बनाएंगे। और गोभी में हम डाल देंगे सबसे पहले नमक। गोभी में हमने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और उसे हम मिला लेते हैं अच्छी तरह चम्मच से। गोभी में सबसे पहले नमक डालने से क्या होता है, जो हम मसाले डालेंगे तो उसमें अच्छी तरह एक एक कली पे मसाले मिल जाएंगे और थोड़ा ये पानी छोड़ देगा, इसीलिए हमने सबसे पहले इसमें नमक डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 बड़े चम्मच हमने लिया इसमें सरसों का तेल और सभी मसाले इसमें डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हमने डाला है भुनी जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे हम चम्मच से अच्छी तरह मिला देंगे और इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हमने प्याज अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है, इसको हम डाल देंगे गोभी में और इसे मिला देंगे अच्छे से। देखिए हमने इसमें अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट मिला दिया है, अब ये सब मसाले इसमें मिला देंगे। मसालों को अच्छी तरह तेल में मिलाने से क्या होता है कि ये बहुत अच्छे सब गोभी में मिल जाएंगे मसाले, नहीं तो कहीं पे सूखा रहेगा और कहीं पर ड्राई हो जाएगा और अच्छे से मिल नहीं पाता। इसको भी हम चम्मच से मिला देते हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। 10 मिनट बाद इसे हम खोलेंगे। ये गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया और गरम हो गया है तेल, इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और जीरा जब अच्छी तरह चटकने लगेगा तो हम मैरिनेट की हुई गोभी डालेंगे। इसको खोल कर देखते हैं, ये सब सभी गोभी के उसमें फूल पे हमारा मसाला अच्छी तरह चला गया और ये पानी भी छोड़ दिया है, जीरा चटक गया है, इसको हम डाल देते हैं। देखिए हमने गैस की आंच को मीडियम कर दिया है और इसको ढक देते हैं, कढ़ाई को ढक दिया है। इसको पकने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए अभी 7-8 मिनट हुआ है, हम कढ़ाई का ढक्कन उठाकर देखते हैं गोभी अभी पकी है कि नहीं। देखिए गोभी पक चुकी है परंतु इसमें पानी छोड़ दिया, इसलिए गैस की आंच को हम मीडियम से तेज कर देंगे और जब तक ये गोभी पक रही है तो हम एक कोयले का बड़ा टुकड़ा गैस पर जलने के लिए रख दिए हैं, इसमें हम इसका धुआं देंगे गोभी में। गोभी का पानी देखिए लगभग सूखने आ गया है, अब इसी वक्त हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दही। दही को हमने फेंट लिया है और इसमें डालकर गोभी में चलाएंगे, गैस की आंच को तेज रखेंगे और जब इसमें गोभी पर तेल ऊपर आने लगेगा तो समझ लेंगे कि हमारी गोभी अंगारा पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे लगातार चलाएंगे। देखिए दही में, गोभी में दही डालने के बाद ऊपर तेल आना शुरू हो गया है
और इस समय हम गैस को कर देते हैं धीमा, और एक कटोरी लेंगे उसमें हम डालेंगे एक बड़े चम्मच मक्खन, गोभी के बीच में इसको रख देंगे मक्खन को, और अब डालेंगे इसका धुआं देंगे कि ये जो हमने कोयला गर्म किया था वो डायरेक्ट इसमें डालेंगे मक्खन में, और एक हाथ से हम ढक्कन पकड़ लेंगे और एक से कोयला, और इसे तुरंत ढक देंगे ताकि इसका धुआं बाहर ना निकले। गोभी में हमने 3 से 4 मिनट का धुआं दिया है, ढक्कन को हटाते हैं और देखते देखे। अब इसे हम किसी कपड़े या सरसी से पकड़कर कटोरी को हटा देंगे। गोभी अंगारा अच्छी तरह पक गई है, इसमें तेल भी देख रहा ऊपर आ गया है, हमने अंगारे का धुआं भी दे दिया है। कटी हुई थोड़ा सा हम महीन कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। गोभी अंगारा बनकर तैयार है, आप इसे बनाइए, मुझे बतलाइए आपको कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।